हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल की 6th क्लास में आपका स्वागत है। हमारी जो लास्ट वीडियो थी, वीडियो नंबर 5, उसमें हमने बताया था आपको नंबर सिस्टम के बारे में। अब नंबर सिस्टम जो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हर नंबर सिस्टम जो भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम, तो उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि वो किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं या उस नंबर सिस्टम को हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उस नंबर सिस्टम में क्या है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर सिस्टम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये क्या है कि सारे नंबर सिस्टम हैं वही वाले जो मैंने आपको उस लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा नंबर सिस्टम किस तरीके से हम पहचानते हैं और वो क्या होता है। चलिए देखते हैं। पहले नंबर सिस्टम हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे हम लोग जानते हैं, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो हमारी डिजिट होती है, इन्हें हम एक एक नंबर को हम डिजिट कहते हैं। इसकी अपनी एक वैल्यू है, प्लस इसकी अपनी एक पोजिशनल वैल्यू भी होती है कि ये कहाँ पर यूज किया गया है नंबर, उसकी वहां पर वैल्यू अलग हो जाती है उसकी पोजीशन के हिसाब से। वो हमने आपको लास्ट वीडियो में पूरी तरीके से डिफाइन किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नंबर सिस्टम में मैक्सिमम नंबर जो है वो हमारे हैं 10। मैक्सिमम नंबर है इसमें 10। लेकिन इसी नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 9। मैक्स वैल्यू है इसकी 9। इसकी सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 9 है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट कितनी है हमारी इस नंबर सिस्टम में, जिसका नाम है डेसिमल नंबर, मैक्सिमम हमारी इसमें डिजिट है 10। तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें डिजिट 10 है तो हम इसको एक मान के चल बोलते हैं कि इसका जो बेस है वो है 10। ठीक है, तो हम कोई भी डिजिट लिखेंगे, मान लीजिए हमने लिख लिया 25 और हमें उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर हम छोटा सा 10 लिखते हैं। इससे हम इसको हम सब स्क्रिप्ट भी कहते हैं जो ये बता रहा है कि ये 25 जो है वो एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लेंगे अपना दूसरा नंबर सिस्टम जो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका नाम ही बता रहा है कि ये इस नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही नंबर होंगे, 0 और 1। 0 1 होने की वजह से इसका नाम हमारा बाइनरी है। बाइनरी यही हमारी वो लैंग्वेज है या वो कोड है जो हमारा कंप्यूटर समझता है। यहाँ पर 0 का मतलब ऑफ से है और 1 का मतलब ऑन से है। इसी फंक्शन, इसी पंडे के हिसाब से हमारा कंप्यूटर काम करता है। तो बाइनरी नंबर का भी वही है कि इसमें मैक्सिमम जो नंबर होंगे वो है आपके 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू है इसमें मौजूद डिजिट की वो है 1। सेम हमारे डेसिमल की तरह, बाकी मैं भी इसी तरीके से होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हमारा कोई बाइनरी नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए 1 1 0 1 1, ये हमारा एक बाइनरी नंबर है। इसमें हमारा 0 आया है और 1 आया है, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं आएगी इसमें बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी नंबर है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये बाइनरी नंबर है 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर है, तो इसको हम 11,011 ना पढ़े तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये बाइनरी नंबर है, तो हम इसके नीचे इसका बेस लिखेंगे 2, वही तब स्क्रिप्ट में। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर नंबर जो हमने दिया है वो बाइनरी नंबर है, ना कि कोई डेसिमल नंबर, क्योंकि डेसिमल नंबर में भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 1 0 1 1 1, तो ये डेसिमल नंबर हो सकता है, क्योंकि डेसिमल नंबर में ही हमारे ऊपर और 0 होता है। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, जब हमारे कंटिन्यूस वही 1 0 1 0 0 1 0 इस तरीके से नंबर चलते हैं, और जो हमारा बेस है वो हमें बताता है कि ये एक बाइनरी नंबर है।
ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट नंबर है हमारा ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर, ऑक्टल, ऑक्टा माने होता है एट, तो इसका नाम भी बता रहा है कि इसमें आठ नंबर होंगे। तो हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये टोटल कितने नंबर हो गए? एट। यहाँ पर भी वही है कि इसमें मैक्सिमम नंबर है एट और मैक्स वैल्यू होगी हमारी सेवन, यानी कि जस्ट लाइक डेसिमल और बाइनरी की तरह हमारे ऑक्टल में मैक्सिमम वैल्यू होगी सेवन और ऑक्टल में टोटल नंबर होंगे हमारे आठ। इसका भी वही है रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लीजिए मुझे ऑक्टल वैल्यू कोई लिखनी है, सपोज चीजें मुझे लिखना है 1, 2, 5, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, सब स्क्रिप्ट के हिसाब से एट लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गई हमारी ऑक्टल वैल्यू, ये हमारा नंबर ऑक्टल में है। तो हम इसको कहेंगे ये 125 जो है वो ऑक्टल में है, इसलिए इसको हमने इसका बेस दिया हुआ है। ठीक है, रेडिक्स भी बोलते हैं इसको बेस को हम। अब हमारा आ गया आपका नेक्स्ट फोर नंबर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हमारे वही 0 से लेकर 9 तक तो हमारे यही डेसिमल नंबर वाले हैं, और बाकी हेक्साडेसिमल में हमने ए बी सी डी ई एफ, एफ तक की डिजिट और लिए हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं हमारी, ए का मतलब यहाँ पर हम 10 लेते हैं, बी का मतलब 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो हमारी लास्ट डिजिट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट हमारी कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट हमारी है 16। तो हेक्साडेसिमल में हमारा जो बेस होता है वो होता है 16, ऑक्टल में हमारा बेस होता है 8, बाइनरी में बेस 2 और डेसिमल बेस 10। ये हमारी सारी बेस हो गए। हेक्साडेसिमल में हमें कोई नंबर लिखना है, मान लीजिए ए ए 1, मान लीजिए डी, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसमें हमने सब स्क्रिप्ट में इसका बेस लिख दिया 16। तो ये हमारे तीनों नंबर सिस्टम हमने एक्सप्लेन कर दिए है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट है या किसी तरीके का कोई आपका क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मैं आगे चलकर डेसिमल नंबर या किसी भी नंबर को, ये कोई भी नंबर है या इसके अलावा भी और कोई बेस हो, मान लीजिए हमारा कोई नंबर है, ये 2 है, कोई नंबर है उसको हम, इसका बेस मान लीजिए 4 है, तो हम इसको मान लीजिए कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, ठीक है, या इस वाले नंबर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मान लीजिए ऑक्टल नंबर में, मान लीजिए ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बेस 8 है, तो हम इसको कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपकी अगली वीडियो में। डेसिमल से हम बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से कोई और बेस में हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे उसके लिए आपको अपने कमेंट हमें देते रहिए। थैंक यू।